रामचरितमानस पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। न भाजपा इसे खत्म होने दे रही और न स्वामी प्रसाद मौर्य इसे खत्म होने देना चाहते हैं, क्योंकि अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमले हुए उसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट आया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मेरे दिए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीप काटने और सिर काटने पर इनाम घोषित किया। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, लेकिन इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। अपने इस ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन तमाम हमला साधने वालों पर निशाना साधा, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया, कई साधु संत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए, क्योंकि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने पर 5 लाख तो आगरा में 51,000 का इनाम घोषित किया गया था। लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में स्वामी की नो एंट्री तक के पोस्टर लगा दिए गए थे। कोई भी साधु व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस पर पवित्र ग्रंथ पर उसने अवैध अवैध टिप्पणी की है, तो उसकी जीप को काटेगा और उसमें जीपे लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और अवसर मिलेगा। अब इन तमाम हमलों और विरोध पर स्वामी का गुस्सा इस कदर भड़का कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट से लड़ाई को नया रंग दे दिया कि अगर ये चेतावनी किसी और धर्म या समाज के व्यक्ति ने दी होती तो क्या होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि कुछ दिन पहले उनके बयान पर जिस तरीके से कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उनकी जीप काटने, गर्दन काटने जैसी बात कही है, अगर ऐसा कोई और कहता तो उसे अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, लेकिन जो संत, महात्मा, धर्माचार्य इस तरह की बात कह रहे हैं, अब उन्हें क्या कहा जाए, महाशैतान, जल्लाद या आतंकवादी। और उनके इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से यूपी में सियासत गर्मा गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक अखिलेश यादव स्वामी के एपिसोड पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो न खुलकर स्वामी का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। अब अखिलेश की यही चुप्पी भाजपा को बुरी तरह चुभ रही, क्योंकि भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही कि वो स्वामी के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करे। रामायण भगवान श्री राम करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से है कि वो उनकी पार्टी का ये अधिकृत विचार है या स्वामी जी का निजी विचार है, ये जरूर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे, तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा, तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। लेकिन अखिलेश है कि एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर अखिलेश कब तक मौन रहेंगे, क्योंकि स्वामी जितना बोलेंगे भाजपा अखिलेश को उतना ही घेरेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ भाजपा का नहीं समाजवादी पार्टी के उस धड़े का भी है जो स्वामी के खिलाफ खड़ा है और चाहता है कि अखिलेश स्वामी पर एक्शन ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।